नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन की तरफ से आए बयान की। जी हां, चीन की सरकार का ये बयान है, क्योंकि ये बयान छपा है उनके मुखपत्र कह लीजिए, सरकारी फोपू एक तरह से कह लीजिए, मैं ग्लोबल टाइम्स का जिक्र कर रहा हूं, उसी में ये लेख छपा है जिसमें ये लिखा गया है कि भारत ने जो वैक्सीन बनाई है उसको लेकर अभी बहुत सारे सवाल है। अब आप चीन की बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही यहां ये दो वैक्सीन निकलकर सामने आई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और इसके साथ साथ जो है हम तीसरी वैक्सीन के भी अंतिम फेज पर काम कर रहे हैं, जो अगर भारत में आ जाती है तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा इंडिया इस वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन वाली रेस में बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। इस वक्त चीन को यह डर लग रहा है कि कैसे वो अक्टूबर से वैक्सीन को लेकर के बहुत जोरों तोरों से जो है वो लगातार ये बात कह रहा था कि हम जो है वैक्सीन जल्द ही ले आएंगे, लेकिन वो वैक्सीन लाने में अब तक असमर्थ है। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश उनके साइंटिस्ट के पास बात करने भी गए थे, ये बताने भी गए थे कि क्या क्या इस वैक्सीन का हिस्सा होना चाहिए और क्या क्या इस पर नहीं पड़ना चाहिए, जिसमें जिलेटिन शब्द का प्रयोग बार बार सामने आ रहा है और आप लोग भी इसके बारे में सुन रहे होंगे। लेकिन चीन को अब ये डर सता रहा है कि भारत ने अगर वैक्सीन बना ली और ये इफेक्टिव भी होने लगी तो ना सिर्फ उनकी तरह उनके हाथ से भारत का बाजार निकल जाएगा, बल्कि दुनिया की और कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी उनके हाथ से निकल जाएंगी। इसीलिए चीन के सरकारी भोपू ने बाकायदा डिटेल्ड वाइज ये सवाल उठाए हैं इन वैक्सीन्स पर, और वो लगातार भारत में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया में भी भारत को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन का ये पूरी तरह से षड्यंत्र है, चीन की ये चाल है जो बिल्कुल भी कामयाब इसलिए नहीं होने जा रही है, क्योंकि अब भारत में इसका जो क्लिनिकल ट्रायल था या उसके बाद अब जो ये ड्राई रन शुरू हुआ है, इसको लेकर के अभी भी देश के कई हिस्सों में जो है वो इंजेक्ट लोग करा चुके हैं, वैक्सीनेट खुद को करा चुके हैं, और ऐसी कोई खबर सामने निकल कर नहीं आई है कि इसके कोई बहुत जो साइड इफेक्ट है वो कुछ सामने निकल कर आ रहे हो। मैं आपको बता दूं कि 28 दिन बाद इसकी दो वैक्सीन हमको लगनी है, जिसको भी लगेगी दो वैक्सीन लगेगी, पहली वैक्सीनेशन अगर आज लगेगी तो इसके 28 दिन बाद जो है वो दूसरी वैक्सीन लगेगी, यानी ऑलमोस्ट 4 हफ्तों बाद, और इसके इस दौरान आपको बाकायदा इंजेक्ट करने के बाद आधा घंटा डॉक्टर्स की निगरानी में बैठना है, और उसके बाद आपको बाकायदा एक फॉर्म दिया जाएगा 2 से 3 पन्नों का, जिसमें आपको अपने डेली एक्सपीरियंस को उसमें मेंशन करना होगा, कोई साइड इफेक्ट है, जैसे फीवर तो नहीं आ रहा है, जैसे खांसी तो नहीं शुरू हो गई, जैसे उस जगह पर पेन कितनी देर तक रहा जहां पर वैक्सीनेट, यहां पर जो है शोल्डर के आपके हिस्से पे लगेगी तो वहां पर वैक्सीनेट कराने के बाद कितनी देर तक आपके हाथ में पेन रहा। कुछ लोगों का ये पेन जो है वो थोड़े समय के लिए थोड़ा सीवियर है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कम होता चला जा रहा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन चीन का दावा इसको लेकर बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।